अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेखर अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, टपाचौपतरा पुलिस स्टेशन हुदूद में अपनी ही बहू पर ससुर का जुल्म जारी है। ये जुल्म प्रॉपर्टी को लेकर किया जा रहा है, ऐसा बहू ने क्राइम टुडे से बात करते हुए कहा। बताया गया है कि ये प्रॉपर्टी का केस कोर्ट में चल रहा है, लेकिन कोई भी नतीजा आने से पहले इनको घर में आने नहीं दिया जा रहा है और इनकी लड़की की शादी होने वाली है, उसमें भी रुकावटें पैदा कर रहे हैं। इसी बात को लेकर अपने ही ससुर के खिलाफ टपाचौपतरा पुलिस स्टेशन में शिकायत की गई। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। खालिद खान के साथ में शेखर अहमद अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। नगर में रहते, प्रॉपर्टी केस चल रहा, हमारे ससुरे घर में रहने नहीं दे रहे, हमको लड़ते जा रहे, बेटी का शादी है, शादी के लिए पैसे नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, घर में नहीं रहने दे रहे, किराया भी नहीं दे रहे, कुछ भी, घर में से निकल जाओ बोल रहे। प्रॉपर्टी है सो बेटी दामाद को लिख के दे दिए, ऑलरेडी केस चल रहा हमारा, फिर भी घर में नहीं रहने दे रहे हमको, बच्ची का शादी में रुकावटें डालते जा रहे, पूरा घर में नहीं रहना बोल के वो कर रहे, घर में सामान नहीं रखने दे रहे, घर के बाहर हकाल दे रहे, किराया आता एक पैसा नहीं दे रहे, कुछ भी। राशन दुकान 2 सालों का बंद करके मेरे एम प्रकाश है और उनके बेटी दामाद है, उनके साथ मिलकर रिश्तेदारों के साथ एक महीना पहले कराए थे, नहीं लिए दिए, केस बुक करे, पुलिस वाले भी अच्छा साथ दिए हम लोगों को, साथ दे रहे, पुलिस वाले भी कर रहे, पॉलिटिशियन का नाम लेके डरा रहे, धमकी दे रहे उन्हों, पुलिस वाले समझाए अभी तो, शादी तक रुको बोले, कुछ भी नको वो करो बोले, घर वगैरह दो बोले, सामान वगैरह रखने को नहीं दे रहे, तो अब सामान वगैरह रखने को दो, जो भी बात है शादी के बाद बात करेंगे बोले। हम ये बच्ची का शादी है उसके बाद बात करेंगे बोल के बोले, डरा रहे बहुत उन्हों, पॉलिटिशियन का नाम लेके, लीडरों का नाम लेके बहुत डरा रहे, बीजेपी का लीडर है बोल के डरा रहे सब, नहीं गालियां बहुत गद्दे दे रहे उन्हों, बहुत बर्दाश्त नहीं हो रहे, वैसे गालियां दे रहे उन्हों पूरा। टपा चबूतरा पीएस उसमें करा है।